मैसेज के द्वारा किया जा रहा है, उसका सबका स्क्रीन शॉट ओवर है, जितना हम लोगों के पास उपलब्ध हो सका है उतना स्क्रीन शॉट हम लोग लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में एक बार फिर से जो साइबर अपराधी हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। आपको बता दें कि जहां आम जनता को साइबर अपराधी काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे, अब इस बार बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह को ही साइबर अपराधियों ने टारगेट किया है और उनका एक फेक अकाउंट फेसबुक पे बना के उनके परिजनों से पैसा भी मांगा जा रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के नाम से फेसबुक पर अकाउंट बना के लोगों से पैसा मांगा जा रहा है। इसको लेकर जब आज हमने बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। कॉल भी आया था, कोई रंगदारी जैसे मामले भी पूछा है क्या, कौन लोग हैं कुछ पता चला? ना ना, कुछ पता नहीं चला है। अभी सुबह से ही हम लोगों को भी पता चला, कुछ रिश्तेदारों और कुछ शुभचिंतकों के द्वारा फोन आया कि आपके नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, आईडी बना लिया है। हम लोगों को भी जानकारी हुई, उधर अखबार में भी कैसे न्यूज़ में भी छप गया, सिवान में टीवी पर भी चल रहा है, तो उसी संदर्भ में हम कंप्लेन भी दे रहे हैं, एसपी के पास एप्लीकेशन तैयार कराए हैं, जांच कराया जाएगी कौन ऐसा आदमी फ्रॉड कर रहा है। तो वही रिश्तेदारों को और शुभचिंतकों को अपना कॉल करके फ्रेंड रिक्वेस्ट में और उसके बाद पैसा का डिमांड किया, हम तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में हैं, इसी तरह से कर रहा है। सोशल मीडिया से के माध्यम से मांग रहे हैं? हाँ, फोन टेलीफोनिक कॉल किया जा रहा है सर। अब किन किन लोगों को सर ये कॉल किया जा रहा है? सबका मैसेज के द्वारा किया जा रहा है, उसका सबका स्क्रीन शॉट ओवर है, जितना हम लोगों के पास उपलब्ध हो सका है उतना स्क्रीन शॉट हम लोग लिए हैं। अभी जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम बैठे थे तब तक कलकत्ता से फोन आया, एक हमारे रिश्तेदार हैं, इनडायरेक्ट से रिश्तेदार हैं, उनसे भी पैसा मांगा गया, तो वही लोग बताए। तब तक सुबह से हम लोगों को पता चल गया था, तो हम फेसबुक से लिखवा भी दिए कि इस तरह का हमारा आईडी हैंग हुआ है, उस पर किसी को नहीं आना है, किसी को पैसा कोई नहीं डालना है, इस भ्रम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि कोई विरोधी के विचार हो सकती है? फ्रॉड कर रहा है कोई भी कर सकता है, अब इस पर तो प्रशासन इसका जांच करे, साइबर क्राइम वाले लोग देखें, कोई भी हो सकता है, तो कोई हमारे विरोधी नहीं तो उस संबंध ही है, हमारा सहयोगी थोड़ी ही है, जो भी कर रहा है विरोधी कर रहा है। तो आपने साफ तौर पे सुना बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह का कहना है कि यह घटना मुझे आज मालूम चली, जिसको बाद में एसपी को भी मैंने कंप्लेन किया है और उन्हें जानकारी दी है कि ऐसी घटना मेरे साथ घट रही है, मेरे नाम पे फेसबुक फेक आईडी बनाया जा रहा है और लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री सुभाष सिंह के द्वारा एसपी को कंप्लेन किया गया है, तो ऐसे में जो अपराधी हैं वो पकड़े जाते हैं या नहीं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।